वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिगेंड्स क्या है और लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल निकाल रहा हूँ, K3FeCN6। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे लिगेंड फाइंड आउट करना है तो लिगेंड क्या है, तो यहाँ अगर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर आएगा Fe एट द सेंटर, बिकॉज ये आपका सेंट्रल मेटल है, और इसके अराउंड ये जो सिक्स नंबर है ये आपके हैं साइनाइड के लिगेंड। तो ये सारे क्या हो गए, साइनाइड के लिगेंड्स हो गए। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है K3, दिस इज आउटसाइड द स्क्वायर बॉक्स एंड वी आर राइटिंग हियर K3। तो यह इस कॉम्प्लेक्स में ये जो छः आपको साइनाइड के लिगेंड्स दिख रहे हैं या फिर छः साइनाइड के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द लिगेंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड, इट इज़ एन कंपाउंड विच व्हेन अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, और जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होने के बाद सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सो इट गिव्स वन साइड इलेक्ट्रॉन डोनेशन, दैट्स वाई दिस लिगेंड्स आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ये जो मॉलिक्यूल या फिर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। दैट्स वाई द नेम इज गिवन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये जो लिगेंड्स है, दिस लिगेंड्स आर ऑफ पर्टिकुलरली थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डोनर एटम्स। तो डोनर एटम्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। सो द नंबर वन, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स दैट वी आर गोइंग टू सी। तो लिगेंड्स देर आर थ्री टाइप्स। नंबर वन, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नंबर टू, polydentate ligands, and number three is ambidentate ligands। तो इन तीनों भी ligands को हम details में देखेंगे with example। तो ये monodentate क्यों, या फिर जो नाम यहाँ पे लिखा है मैंने dentate, the meaning of dentate is like teeth या फिर tooth, okay? जैसे कि दांत, या फिर उनको कितने पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है जिससे वो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं, दैट इज गिवन बाय दिस वर्ड दैट इज डेंटेड। तो मोनोडेंटेड, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज हैविंग ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉलीडेंटेड मतलब इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हो सकते हैं, जिसे हम, या फिर हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तीन है, चार है, पाँच है, या फिर छः है। और ambidentate, this is the another type of ligand that we will see in the further lecture. So सबसे पहले देखेंगे हम what is monodentate ligand. तो इसकी definition चाहे तो आप लिख सकते हो, it is the atom or group of atom that have only single donor atom by which it is attached to central metal atom or ion. तो ये definition आप लिख लो, it is an atom or group of atoms which has a single donor atom, जिसमें एक ही donor atom है जिससे वो central metal atom को attach होता है। जैसे कि मैं example बताऊंगा आपको, जैसे कि OH minus, ओके, ये आपका लिगेंड है। साइनाइड CN-, ये आपका लिगेंड है। एक्स, या फिर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका लिगेंड है। ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इनको सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है जिससे वो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं। ओके, यू गॉट इट। नाउ विल सी द अनदर टाइप, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब इसके नाम में ही है, जो
the atom or group of atoms, चाहे तो आप ये डेफिनेशन लिख लो, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव मोर देन वन डोनर एटम्स बाय विच दे आर अटैच्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन. तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. पॉलीडेंटेट में जैसे मैंने कहा कि मोर देन वन, ओके, तो मोर देन वन मतलब क्या, वो क्या हो सकता है, एक तो वो बाइडेंटेट भी हो सकता है, दैट मे हैव टू डोनर एटम्स. दूसरा, एक तो वो ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, तीन डोनर एटम्स है या फिर तीन ग्रुप से, ग्रुप ऑफ एटम्स है. थर्ड, दैट मे बी टेट्राडेंटेड, उसमें चार एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं. देन पेंटाडेंटेड, फाइव डोनर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. और दिस मे बी हेक्साडेंटेड, जिसमें छह डोनर एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं. अब हम इसका वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे वो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं. बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है? बाइडेंटेट का मतलब होता है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है. अगर दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है तो इसका मतलब क्या, इट इज बाइडेंटेट, मतलब वो उसके पास दो दांत है जिससे वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है. मींस इट हैज टू डोनर एटम्स, अ सिंगल मॉलिक्यूल हैव टू डोनर एटम्स, जिसे हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं. सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये है इथिलीन डायामाइन. अब इथिलीन डायामाइन में ये जो दो नाइट्रोजन एटम्स है, दिस टू नाइट्रोजन एटम्स दे आर डोनर एटम्स, ये दोनों भी क्या है, डोनर एटम्स है जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो इस इथिलीन डायामाइन को हम शॉर्टकट में ईएन भी दिखाते हैं, दिस इज शोन बाय ईएन. या फिर ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड. उसका स्ट्रक्चर है लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओके. सो दिस टू ऑक्सीजन एटम्स, दीज आर दी डोनर एटम्स विच कैन डोनेट दी इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट्स वाई दिस ऑक्सैलिक एसिड, ये भी आपका क्या है, ओ एक्स, इसे हम कहते हैं ओ एक्स, दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड. तो ये ऑक्सैलेटो कॉम्प्लेक्स है, या फिर ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो या फिर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड से ये बना हुआ है. जैसे कि हम यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया, ठीक है. तो ये दोनों आपके क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है. इसके साथ साथ और एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, डीएमजी, ओके, द शॉर्ट फॉर्म इज डीएमजी, जिसे हम डायमिथिल ग्लायोक्सिमेटो, ओके, डायमिथिल ग्लायोक्सिमेटो, दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड. तो इसका स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, या फिर से सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप. तो ये जो दो नाइट्रोजन एटम्स है, दीज आर दी डोनर एटम्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें दो डोनर एटम्स है, इसलिए इसे हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टाइप, ट्राइडेंटेड लिगेंड. अब ट्राइडेंटेड का मतलब होता है इसमें तीन डोनर एटम्स है, ओके, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल और इसमें तीन डोनर एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल आएगा, अब देखो ये स्ट्रक्चर, दैट इज सी एच टू सी एच टू, यहाँ पे मैं एन एच टू लिखता हूँ, यहाँ एन एच सी एच टू सी एच टू, और यहाँ पे एन एच. अब यहाँ पे जो तीन नाइट्रोजन एटम्स आपको दिख रहे हैं, ओके, दीज आर दी ट्रायामाइंस, ओके, और ये जो दो मिथिलिन या फिर इथिलिन ग्रुप है, इन दोनों इथिलिन को हम
डाइथिलीन, तो इसका नाम हो गया आपका डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। ओके, तो ये तीन डोनर एटम्स जो है जो सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो ये आपका हो गया ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेट्रा डेंटेट लिगेंड। जैसे मैंने ट्राइडेंटेट निकाला था एग्जांपल, वैसे मैं अभी टेट्राडेंटेट का निकालूंगा। टेट्राडेंटेट मतलब फोर डोनर एटम्स आर देयर। ओके, तो अब देखो चार डोनर एटम मुझे क्या करना है, अभी चार NH2 के ग्रुप लिखना है, तो मैं NH2 CH2 CH2 फिर से NH फिर से CH2 CH2 फिर से NH फिर से CH2 CH2 और NH2। अब इस स्ट्रक्चर में आप अगर देखोगे तो NH2 NH NH NH2, दीज आर दी फोर डोनर एटम्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका नाम होगा आपका, ये अब इथिलीन ग्रुप कितने हो गए, तीन, तो ये हो गया ट्राई इथिलीन। ओके, और अमाइन के ग्रुप कितने हो गए, चार, मतलब टेट्रा अमाइन, तो ये आपका हो गया टेट्रा डेंटेड लिगेंड। ठीक है, लाइकवाइज वी हैव हेक्सा डेंटेड लिगेंड, जिसे हम वेल नोन लिगेंड कहते हैं, दैट इज योर EDTA, दैट इज योर हेक्सा डेंटेड लिगेंड। सिक्स डोनर एटम्स है, इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे हेक्सा डेंटेड लिगेंड, द नेम इज EDTA, इसका नाम है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसेटिक एसिड, EDTA, टेट्रा एसेटिक एसिड, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसेटिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी ये स्ट्रक्चर कई बार आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA या फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इथिलीन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इथिलीन दिस इज CH2 CH2, या फिर से क्या है, डायमाइन है, मतलब दो नाइट्रोजन एटम्स है। ओके, और दोनों के भी हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय चार एसिटिक एसिड, मतलब यहाँ पे चार एसिटिक एसिड के ग्रुप्स आएंगे, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH, सिमिलरली यहाँ पे CH2। इन दिस वे वी हैव सिक्स डोनर एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से एटम्स डोनर एटम्स है। ओके, तो सबसे पहले आएगा आपके दो नाइट्रोजन एटम, ये डोनर एटम हो गए दो, उसके बाद आ गए ये सारे ऑक्सीजन एटम जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ये चार एटम, तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6, सो दीज आर दी हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो ये छः के छः लिगेंड्स क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, एक ही सेंट्रल मेटल एटम को ये एक ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसमें छः डोनर एटम्स है। ओके, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी स्ट्रांग एज कम्पेयर टू दी मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो आपका लास्ट टाइप बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड, वो हम लास्ट टाइप देखेंगे, दैट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लो, एम्बिडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड दैट कंटेन्स टू और मोर डोनर एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उसमें एक ही मॉलिक्यूल आपका दो डोनर एटम्स दिखाता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, दैट इज साइनाइड। ओके, साइनाइड लिगेंड, दिस साइनाइड लिगेंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, तो इस साइनाइड लिगेंड में क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को अगर मैं ये साइनाइड लिगेंड अटैच करूं तो मेरे पास दो एटम्स है इसमें जो डोनर एटम्स है। तो एक आपका डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या फिर
ये साइनाइड में फिर से लिखता हूँ, ओके okay? और ये जो कार्बन है, दैट कार्बन कैन आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब आपका एक ही मॉलिक्यूल है जो दो डोनर एटम्स दिखाता है, इसे हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड। ओके, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड। जैसे कि और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, थायोसाइनेट हो, SCN या फिर NCS। इसमें क्या हुआ है, अभी SCN में नाइट्रोजन इज डोनर एटम विच इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, और NCS में क्या हुआ, सल्फर इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप, ओके, नाइट्रो ग्रुप NO2, ये आपका नाइट्रो लिगेंड है। इसमें क्या होता है, अभी NO2 अगर मैं निकालता हूँ तो नाइट्रोजन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और अगर मैं दूसरा इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ ONO, इसका मतलब क्या, दिस ऑक्सीजन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को दो डोनर एटम से, मॉलिक्यूल एक ही है आपका, नाइट्रो ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल है, साइनाइड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल है, बट इसमें क्या हो गए, दो डिफरेंट एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, इसकी वजह से ये आपका हो गया एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो इन दिस वे वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगैंड्स या फिर टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, जिसमें मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्बिडेंटेट लिगैंड्स होते हैं। फिर हमने देखा कि मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होता है, जिसमें सिंगल डोनर एटम होता है। उसके बाद हमने देखा पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में अलग अलग टाइप्स देखे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगैंड, एंड इन द लास्ट वी हैव सीन द एम्बिडेंटेट लिगैंड, जिसमें एक ही एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसको दो डोनर एटम्स है, जिसे हम एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं। सो इन दिस वे वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच इम्पॉर्टेंट एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। थैंक यू।